नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज़। मैं रेखा दुग्गल। और निगम की जैसे कि तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लोग अपनी अपनी जो है वो प्रतिभा दिखाने की दौड़ में लगे हुए हैं, हज़ारों रुपए खर्च करके प्रचार प्रसार भी हो रहा है। क्या ये प्रचार प्रसार सिर्फ पोस्टरों तक ही सीमित रहेगा या उनकी काबिलियत अब की बार उन्हें टिकट दिलाने में काम आएगी, ये देखने वाली बात होगी। और किसका होगा राज तिलक, कौन बैठेगा नगर निगम की निगम पार्षद के सिंहासन पर, आपको दिखाते रहेंगे। और आपको लेकर चलते हैं धर्मेंद्र गोयल जी के साथ, उनकी धर्मपत्नी मीनाक्षी जी के साथ एक खास मुलाकात में, कुछ खास मुद्दों पर चर्चा पर। कि मैं आम आदमी पार्टी परिवार इठाला विधानसभा का पिछले 6 साल का सदस्य हूं। मैं 2017 में यहां इस वार्ड नंबर 26 विजय विहार से यूथ का अध्यक्ष रहा हूँ, युवा मोर्चा आम आदमी पार्टी से। और पिछले 4 साल से लगातार अभी तक मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ यूथ का, रिठाला विधानसभा का। आज तक मुझे कहीं किसी भी मोड़ पे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पार्टी कोई पैसे से टिकट देगी या देने वाली है, ऐसा मुझे नहीं लगता। पार्टी जिसको जिस भी उचित समझेगी, जिस भी कैंडिडेट को, इतना पता है कि एक ईमानदार साफ सुथरी छवि का उम्मीदवार हमारे बीच में होगा। पार्टी का ये जो निगम का इलेक्शन है या जो भी इलेक्शन आता है, चाहे विधायक का हो, प्रचार पर हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। जी, इसका मतलब ये है कि प्रचार से आपकी काबिलियत जो है वो आंकी जा रही है, आपका काम उसमें मैटर नहीं करता। देखिए, मेरा मानना ये है कि काम के साथ साथ थोड़ा प्रचार तो मैं मानता हूँ कि सही है, लेकिन हद से ज़्यादा प्रचार करना या हद से ज़्यादा होर्डिंग पोस्टरों पर पैसा खर्च करना वो सही नहीं है कहीं तक भी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी भी बता देना चाहता हूँ कि विजय विहार वार्ड के अंदर अगर आज के समय में सबसे कम पोस्टर या होर्डिंग मिलेंगे तो वो मेरे होंगे। और मैं आपको खुला चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से, जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं, विजय विहार फेस वन के अंदर पिछले 15 दिन के अंदर एक होर्डिंग या एक पोस्टर भी अगर कहीं लगा हो ना तो उसकी फ़ोटो मुझे आप भेज सकते हैं। अवंतिका सेक्टर 1 इतना बड़ा है, उसके अंदर 2-4 जगह अगर कहीं होर्डिंग लगे हों तो लगे हों, अदरवाइज नहीं लगे होंगे। हाँ, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने जिनकी कोशिशों के कारण ही मैं चुनाव के लिए मैदान में आया हूँ, तो वो सारे साथी मिल के आगे कहीं होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं तो उसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी फ़िलहाल विजय विहार फेस 1 में या अवंतिका सेक्टर 1 के अंदर आपको होर्डिंग पोस्ट नहीं मिलेंगे, फेस 2 में थोड़े बहुत जगह पर हो सकते हैं। अच्छा, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं, कोरोना गायब हो जाता है, उससे पहले कोरोना का डर इतना कि स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और शॉपिंग सेंटर बंद कर दिए जाते हैं, मॉल बंद कर दिए जाते हैं, पब्लिक प्लेस में लोगों को एक साथ बैठना उठना बंद कर दिया जाता है, लेकिन इलेक्शन आते ही कोरोना गायब हो जाता है। सर, क्या ये कोरोना भी कोई राजनीतिक गेम खेल रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोरोना हम सब जानते हैं, पिछले 2 साल के अंदर कोरोना से जिस प्रकार हम सभी देशवासी नहीं पूरी दुनिया इससे त्रस्त रही है, और हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस समय पे कोरोना दिल्ली के अंदर बिल्कुल ना के बराबर है। तो हमारी सबकी कोशिश ये है कि हम उचित दूरी बना के रखें, सैनिटाइज करें और मास्क लगा के रखें। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल मीनाक्षी जी आपसे, आप एक घरेलू महिला हैं, घर संभालती आई हैं, और एकदम से राजनीति का एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म दे दिया गया कि बाहर आना, लोगों से मिलना और अपने आप को साबित करना, क्योंकि धर्मेंद्र जी को तो अपने आप को साबित करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन अब बारी आती है आपकी, आप अपने आप को साबित करेंगी, तो कैसे आप साबित कर पाएंगी अपने आप को? उनका सहारा, सपोर्ट बहुत बड़ी ताकत है मेरे लिए। और इनके जो हमारे भाई लोग हैं या हमारी बहनें हैं, उन्होंने बहुत हमें अचीव किया है कि हम आपके साथ हैं, और यही सब मेरी ताकत बनके मेरे साथ और मेरा हाथ से हाथ बटाएंगे और अपनी सरकार का खूब प्रचार करेंगे और अपने काम का प्रचार करेंगे, जो हमारे क्षेत्र में हुआ है और जो नहीं हुआ है वो भी हम और मिलजुल कर करना चाहेंगे। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी मीनाक्षी जी, जो राजनीति में आना चाहती हैं लेकिन वो भी एक घरेलू महिला है और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये डर है कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, क्योंकि आप भी आई हैं, आप में भी अपनी एक ताकत आपने जगाई है अपने अंदर, उन महिलाओं को क्या कहेंगी? जिस सबके साथ एक औरत दूसरी औरत के साथ खड़ी है, चाहे वो मैं हूँ चाहे और कार्यकर्ता हो,
हम उनके साथ भी खड़े हैं, एक दूसरे की ताकत बनके हमें आगे बढ़ना है। हमें किसी को छोटा बड़ा कमज़ोर नहीं समझना है। जैसे भी हो, जो भी हो, हम सब एक है, एक परिवार है। चाहे वो कोई महिला हो, चाहे वो कोई कल किसी को भी टिकट मिलता है, पर हम सब साथ मिलके काम करेंगे। किसी से गिला शिकवा किसी चीज़ की बात का नहीं रखेंगे, पर हमें एकजुट बन के और चलना है और आगे बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी जो है वो बात रखी। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक सवाल। जी जी। जैसे कि बाकी राजनेता इलेक्शन से पहले बड़े बड़े जुमले देते हैं और जो बातें अभी आपने कही, क्या अगर आप जीतते हैं और निगम पार्षद बनकर आपकी वाइफ आती है तो क्या आप भी वही जुमले इस्तेमाल करेंगे या फिर वाकई में आप अपने क्षेत्र में काम करेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ। 25 साल से विजय विहार में रह रहा हूँ, जितने भी क्षेत्रवासी मुझे जानते होंगे वो बता सकते हैं कि धर्मेंद्र गोयल कभी झूठ नहीं बोलता। और राजनीति के अंदर झूठ चलता है लेकिन मैं नहीं बोलता। मैं जिस काम के लिए यहाँ करूँगा उस काम को करूँगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल स्वर्ग से सुंदर अपने क्षेत्र को बना लूँगा, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि जब ही उस कुर्सी पर बैठूँगा, अगर मान लीजिए मुझे पार्टी ने भी मौका दिया और क्षेत्रवासियों ने भी आशीर्वाद दिया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कुर्सी पर भी मैं तभी बैठूँगा जब दूसरी बार क्षेत्र की जनता मुझे पूर्ण बहुमत से बिठाएगी, ताकि मैं काम करूँ या उनको मेरा काम दिखाई दे, और उतना ही वादा करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप भी और दूसरे कार्यकर्ता जैसे पार्टी छोड़कर गए आम आदमी पार्टी के इसी विधानसभा के भी, आप भी उन्हीं की तरह पार्टी छोड़कर कुछ और ज्वाइन करेंगे या फिर आप इंतजार करेंगे अगली बार का? देखिए, मैं आप एक चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, मैं एक आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, और जितना आम आदमी पार्टी में प्यार सम्मान मुझे मिला है उस सम्मान को देखते हुए मेरे लिए है ना, ये मैटर नहीं माने रखता कि मुझे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा जिसको भी पार्टी उचित समझेगी, हम उसको पूरे दमखम के साथ उसको जिता के लाएंगे, और हमारे नसीब में होगा तो आगे जीत लड़ लेंगे चुनाव। तो ऐसा नहीं है, जो सच्चाई होगी वही होगी, और हमारी पूरी कोशिश है, हमारी मेहनत में भी कमी नहीं रहेगी और हमारी पूरी कोशिश भी ये रहेगी कि इस क्षेत्र में एक अच्छा उम्मीदवार आए और जो हमारे क्षेत्र के लिए काम कर सके, चाहे मैं वो हूँ, वो मैं हूँ या हमारा कोई भी साथी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल के साथ जुड़ने के लिए। किसकी दावेदारी कितनी भारी है, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मेला लगा हुआ है दावेदारों का। किसे टिकट मिलेगी, किसे सत्ता में आने का मौका मिलेगा, किसका राज तिलक हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगला हमारा एक इस प्रोग्राम का जो भी नया मेहमान होगा वो कौन होगा, ये आप इंतज़ार कीजिएगा। लेकिन जैसा कि मीनाक्षी जी ने बताया कि कोई भी घरेलू महिला है, अगर वो राजनीति में आना चाहती है, लड़ना चाहती है, तो उसे अपने अंदर हिम्मत खुद पैदा करनी होगी। बाकी सभी लोग उनका साथ देंगे और टिकट चाहे किसी को भी मिले, सब ये परिवार एक है और ये लोग हमेशा एक रहेंगे। कैमरा मैन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैनल।